बरेली में दोपहर को घर से निकले युवक की शाम को एक प्लॉट में महेशपुरा के पास प्लॉट में मिली लाश, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। युवक बीडीए कॉलोनी में एक मोबाइल की दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। थाना सुभाष नगर के पटेल बिहार निवासी मृतक के भाई सत्यम शर्मा ने बताया कि उसका भाई 22 वर्षीय शिवम पुत्र स्वर्गीय राजू शर्मा दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकला था। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा, शाम तक घर नहीं आया। परिवार वालों ने शिवम को तलाश करना शुरू कर दिया। सभी जगह शिवम की तलाश की, रिश्तेदारी में भी तलाश की, शिवम का कोई पता नहीं लगा। शिवम शर्मा बीडीए कॉलोनी में मोबाइल की दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, वहां भी तलाश किया। रात को लगभग 10 बजे पास के रहने वाले शुभम मिश्रा ने बताया कि शिवम महेशपुरा की तरफ गया था। तेंदु शर्मा और शुभम दोनों लोग महेशपुरा की तरफ तलाश करने के लिए गए तो महेश्वरा शराब की भट्टी के सामने एक प्लांट में शिवम की लाश पड़ी हुई थी। शिवम के पैर में चोट थी और गले पर चोट के निशान थे। परिवार वालों का आरोप है कि किसी ने शिवम की हत्या की है। सत्यम शर्मा क्या हुआ था आपके भाई साहब, कहाँ कैसे घटना हो गया? मेरा भाई चल रहा 10:30 बजे तक घर नहीं आया, तो फिर मैं उसको ढूंढने निकला। सत्यम मैंने जब ढूंढा उसको कहीं नहीं मिला वो, तो फिर उसके एक साथी ने मेरे से, उसका दोस्त था, तो मुझे बता रहा कि मुझसे दोपहर कह रहा था कि मैं रामगढ़ की तरफ शराब भट्टी पे शराब पीने जाऊँगा। तो उसने कहा कि वो वहाँ देखा हो, तो मैं वहाँ गया तो इसकी डेड बॉडी मिली मेरे को वहाँ। किस जगह पड़ी हुई थी ये? राम महेशपुरा फाटक से पहले ही शराब भट्टी में 30 फीट अंडर प्लॉट में पड़ा हुआ था। मुझसे बताया था शुभम मिश्रा ने। कहाँ कराने वाला हूँ? हम पड़ोसी हैं हमारे। आपको जब आपके भाई की बॉडी मिली थी किस कंडीशन में थी, किस तरह चोट लगी थी? उनके खाली पैर में ही चोट लगी थी, जो अंगूठा उनका आधा खा। और कहीं निशान? और कहीं गले पर निशान था, गले पर जैसे घुटने का निशान था, और बाकी पीठ पे हल्का लाल चोटों का निशान था। क्या लग रहा है आपके लिए, किसी मारा है किसी ने? क्या देख के तो ये लग रहा है कि मारा है किसी ने। तहरीर दे दी थाने में? हैं थाने में तहरीर दे दी? हाँ जी दे दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।